हाय एवरीवन, मैं महेंद्र पांडे, आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सीआई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं। टीसीएस, टीसीएस मींस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीसीएस से पहले हमारी पिछली वीडियो जो टीडीएस पर बनाई है, हमने टीडीएस से रिलेटेड मैंने दो वीडियो बनाया हुआ है। एक है प्रेजेंटेशन बेस और दूसरा टीडीएस विद जीएसटी टैली में हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कंप्लीट मैंने उसमें आप लोगों को बताया है। टीडीएस टैक्स डिटेल, रेट डिटेल, सारा कुछ हमने उसमें कंप्लीटली आपको समझाया हुआ है। तो वो वीडियो जिसने भी ना देखा हो, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहां से प्राप्त कर सकता है। हमारी प्लेलिस्ट से माध्यम से जाकर के स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देख सकता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टीसीएस को एक सरल भाषा में हम थोड़ा सा समझ लें। टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है, इसका मतलब होता है स्रोत पर एकत्रित टैक्स। स्रोत पर एकत्रित टैक्स कहने का मतलब इनकम से इकट्ठा किया गया जो टैक्स होता है। टीसीएस का जो भुगतान किया जाता है वो सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। कहने का मतलब जब हम कोई भी माल बेचते हैं तो उस माल का जैसे अमाउंट मान लीजिए 100 रुपये है और उस पर 10 रुपये टैक्स मिल रहा है, तो 110 रुपये आपको कस्टमर से लेना है, उसमें से 100 रुपये आपके माल का हो गया और 10 रुपये टीसीएस है जिसको आपको गवर्नमेंट के खाते में ले जाकर के आपको जमा करना है। तो ये टीसीएस होता है। टीसीएस को सरल भाषा में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। टीसीएस एक टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, इसका मतलब होता है स्रोत पर एकत्रित टैक्स। कहने का मतलब जो इनकम से इकट्ठा किया गया टैक्स होता है। टीसीएस का जो भुगतान होता है वो सेलर, डीलर, वेंडर, दुकानदार की तरफ से किया जाता है। हालांकि वह कोई भी सामान बेचते हुए खरीदार या ग्राहक से वो वसूलता है, ऐसा नहीं कि अपने पास से, वो उससे वसूलता है। वसूलने के बाद इसे जमा करने का काम सेलर या दुकानदार जो होता है, जो सप्लायर होता है, जो सेलर होता है, उसी का पूरा लायबिलिटी उसकी है कि वो टैक्स को कलेक्ट करे और ले जा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करे। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 206C में इसे कंट्रोल किया जाता है। कुछ खास तरह की वस्तुओं के विक्रेता ही इसे कलेक्ट करते हैं। इन वस्तुओं में टिम्बर है, वुड है, स्क्रैप है, मिनरल है, तेंदू के पत्ते हैं, लॉटरी टिकेट्स हैं, पार्किंग लॉट है, इस तरह का कई सेक्शन ऐसे हैं जहां पर आप टीसीएस कलेक्ट करते हैं। इस पर टैक्स तभी काटा जाता है जब पेमेंट एक सीमा से ज़्यादा हो, एक के बिना लिमिट के कुछ नहीं है। कहने का मतलब जब उस पर टैक्स एलिजिबल हो जाएगा तभी वो पेमेंट, उस पर पेमेंट पर टीसीएस कलेक्ट किया जाता है। टीडीएस में क्या होता था, टीडीएस पेमेंट देने वाला टैक्स काट कर पैसा देता है। जैसे मैं कंपनी हूँ, मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा हूँ, तो उसकी सैलरी से ही हम काट लेते थे और वो टीडीएस सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देते थे। बट टीसीएस में क्या है कि जैसे हम कोई भी माल बेच रहे हैं तो जो पेमेंट लेने वाला टैक्स जोड़ कर पैसा मांगता। कहने का मतलब हम कोई भी सामान बेचे उस पर हम टैक्स को ऐड कर लेते हैं और उसके बाद हम उससे कलेक्ट कर लेते हैं, कलेक्टी से हम टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो कलेक्टेड टैक्स होता है वो ले जा करके गवर्नमेंट के खाते में जमा कर सकते हैं। इसको अगर एक एग्जांपल के हिसाब से आप समझें, जैसे रमेश ने किसी फर्म को 1 लाख रुपए का स्क्रैप माल बेचा, रमेश ने किसी फर्म को 1 लाख रुपए का स्क्रैप माल बेचा और स्क्रैप पर 1% टीसीएस लेने का नियम है, क्योंकि स्क्रैप जो है सेक्शन 206C के तहत 1% स्क्रैप पर टैक्स कटता है टीसीएस। तो 1%, 1 लाख का 1% 1000 रुपये हो गया। कहने का मतलब रमेश जिस फर्म को 1 लाख का स्क्रैप बेच रहा है वो उस फर्म से 1 लाख प्लस 1000 रुपये, कहने का मतलब 1 लाख 1000 रुपये वो कलेक्ट करेगा, जिसमें 1 लाख वो अपने पास रखेगा और वो 1000 ले जा करके सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जमा कर देगा, वही आपका टीसीएस है। तो इसमें टीसीएस की कुछ दर है, उसको मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको आपको एक लिस्ट के तहत टीसीएस चार्ट है आपका, देखें टीसीएस रेट चार्ट जो एक फाइनेंशियल ईयर का है 2020-21 के लिए है। इसमें आप देखें सेक्शन नंबर है, नेचर ऑफ पेमेंट है, एप्लीकेबल फ्रॉम, इधर दो एप्लीकेबिलिटी है, हाफ ईयरली हाफ ईयरली तरीके से देखा जाए तो टीसीएस रेट यहाँ डिफाइन किया गया है। जैसे मैं स्क्रैप की बात कर रहा हूँ तो 206C सेक्शन के अंतर्गत ये 1% टैक्स रेट होता है, जो 2020 में मई के बाद से टैक्स 0.75 है। इस तरह से इसका एक सिस्टम होता है। आप देखें इसी तरह तेंदू लीव्स पर 5% है,
206C सेक्शन, सबका एक ही सेक्शन है, चूंकि एक ही सेक्शन के अंतर्गत इसको कंट्रोल किया जाता है। इसी तरीके से कोई भी फॉरेस्ट का प्रोडक्ट है, टिम्बर, तेंदू, लीव्स, अदरवाइज कोई भी ऐसा टिम्बर प्रोडक्ट है या जो वन्य औषधियाँ हैं या जंगली लकड़ियाँ हैं, उन सब पर आपका 2.5% के हिसाब से लगता है। जो अल्कोहलिक लिक्योर है आपका, उस पर भी 1% है। इस तरह से आपका जो पार्किंग लॉट, टोल प्लाजा, इन पर 2% है। और मिनरल्स जो भी हैं, कोई भी आपके खनिज लवण है या खनिज पदार्थ हैं, उन सब पर 1% लगता है। इस तरह से आप देखेंगे कंप्लीट TCS का चार्ट है जो इसमें आपका शो कर रहा है, जिस पर जो सिस्टम है टैक्स लेने का, गवर्नमेंट के द्वारा अधिकृत जो टैक्स रेट है वो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है, इसको चार्ट को ध्यान में रखते हुए। आप देखिए लिखा है, इन केस ऑफ नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन आधार बाई कलेक्टी, TCS विल बी चार्ज एट ट्वीस ऑफ द नॉर्मल रेट एप्लीकेबल और 5%। जैसे नॉर्मल रेट 1% है, लेकिन अगर उसके पास आधार, पैन, इन सब की ये सब नहीं है, तो उसका जो एक लिमिट है, जो एक त्रिशूल लिमिट है, उसके ऊपर जाने पर उसको 5% डिडक्ट हो जाएगा टैक्स ऑटोमेटिकली। इसलिए पैन और आधार होना जरूरी होता है। तो आपने देखा ये TCS रेट चार्ट, जिसमें सेक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट तथा एप्लीकेबल जो टैक्स रेट है TCS का, वो आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर किसी को इसकी ज़रूरत है तो वो ऑनलाइन गूगल से जा कर के निकाल सकता है। तो चलिए हम देखते हैं बैक। तो ये है आपका TCS। TCS बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कंप्लीट नॉलेज आप जानना चाहते हैं, TCS से रिलेटेड एंट्री हम टैली में कैसे पोस्ट करते हैं, ये कंप्लीट अगर आप जानना चाहते हैं, तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। तथा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, तथा ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंप्लीट TCS रिलेटेड एंट्री पोस्ट करके बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।